दिल्ली का प्रदूषण हर ओर चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक ताजमहल भी अब साफ नहीं नजर आ रहा, क्योंकि प्रदूषण की आगोश में दुनिया का सातवां अजूबा ताजमहल अब पूरी तरह से समा गया है। संगमरमर की चमकती हुई स्मारक इस प्रदूषण की धुन में धुंधली नजर आ रही है। यही कारण है कि ताजमहल देखने पहुंचे स्थानीय भी अब निराश नजर आ रहे हैं। ताज व्यू पॉइंट से ताजमहल का दीदार करने आए लोग ताजमहल को साफ नहीं देख पा रहे हैं। उनका कहना है कि सफेद संगमरमर वाला ताजमहल देखने हम यहां आए जरूर हैं, लेकिन ताजमहल के खूबसूरत नजारे की जगह हमें यहां प्रदूषण दिखाई दे रहा है। पॉल्यूशन जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा ही है। यहाँ पर हम लोग ताजमहल देखने आए थे, अनफॉर्चुनेटली यहाँ तो बहुत ही ज्यादा बुरा हशर हो रखा है। लाइक आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन, बट बहुत एडवर्स इफेक्ट भी होने वाले हैं ताजमहल पर भी प्लस हमारी हेल्थ पर भी। सो दिस थिंग इज रियली नीडेड टू बी टेकन अप बाय द गवर्नमेंट। अभी तो पहले से ज्यादा पॉल्यूशन बहुत इंक्रीज्ड है, क्योंकि ट्रीज भी कट हो रहे हैं और ट्रीज कट होने की वजह से पॉल्यूशन का लेवल इंक्रीज हो रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा प्लांटिंग होनी चाहिए ताकि पॉल्यूशन का लेवल कम हो, और बाकी ताजमहल तो नहीं दिखाई दे रहा, इतना पॉल्यूशन का लेवल इंक्रीज्ड है। बता दें कि आगरा में पिछले कई दिनों से प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते सड़कों पर प्रदूषण की धुन छाई रहती है। बढ़ते प्रदूषण के कारण अब सड़कों पर निकलने वाले लोगों को भी परेशानी होने लगी है। जो लोग बाहर निकलते हैं प्रदूषण की वजह से, उनकी आंखों में जलन की शिकायत हो रही है। पॉल्यूशन 4-5 दिन से काफी ज्यादा हो गया है। सुबह जब टहलने निकलते हैं तो साइकिल पर निकलता हूँ मैं डेली, तो देखता हूँ कि धुंध काफी छाई हुई है, स्मोक सा हो गया है आंखों में। जब लौटते तो जलन काफी होने लगी है, और मैं जैसे ताजमहल की तरफ जाता हूँ तो आजकल ताजमहल नहीं दिख रहा है साफ से, जो पहले दिखा करता था एकदम क्लियर व्यू आता था वो नहीं दिख रहा है यमुना किनारे रोड से भी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।